आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दशमलव संख्याओं के भाग के बारे में, यानी भैया डेसिमल नंबर्स का डिवाइड कैसा किया जाए। इस टॉपिक को आज हम सीखने वाले हैं। ये कोई बहुत बड़ी हवा चीज नहीं है जिसको सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सी चीज है। आपको एक रूल अगर याद हो जाए दशमलव को हटाते कैसे है। ये जो यहाँ पे दशमलव यानी पॉइंट दिख रहा है आपको, डेसिमल दिख रहा है, इसको हटाना आना चाहिए। आपको यही चीज आज मैं सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत हो, पक्का हो जाए, आपको हमेशा ये रूल याद हो जाए कि इनका डिवाइड कैसे किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सवाल दिया है जिसमें आपको 1.25 यानी 1.25 इसमें भाग लगाना है। किस संख्या से? 0.5 यानी 0.5 से भाग लगाना है। अब हम इस भाग के चिन्ह को, जो यहाँ पर ये भाग का चिन्ह आपको दिख रहा है, इसे हम बटे की शक्ल में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर 1.25 लिखा है तो हम लिख देंगे 1.25। पहली संख्या हमने उतार दी। अब भाग का मतलब क्या होता है? बटा होता है, बटा मतलब भाग, इसीलिए हमने इस भाग के चिन्ह को बटे के रूप में लिख दिया। ये तो बच्चे को पता है कि बटे के रूप में लिखा जा सकता है इस डिवीजन को, इस भाग को। अब दूसरी संख्या जिससे हमें भाग लगाना है ना, उसको यहां लिखेंगे, जो कि है 0.5। यहां पर है 0.5। ये तो आपने इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लिया, बटे की शक्ल में लिख लिया। अब यहां पर आपको लगाना है एक लॉजिक कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के गुणा में अगर हम एक लिख दें तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप 2 के गुणा में 1 लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 2 एकम 2 ही तो रहेगा। अगर आप 5 के गुणा में 1 लिख दोगे तो क्या 5 10 में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, वो तो सेम रहेगा, 5 एकम 5 ही तो रहेगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर इस पूरे के पूरे भिन्नात्मक रूप से लिखी हुई संख्या के गुणा में 1 लगा दिया। गुणा में 1 और बटे में भी 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस संख्या का हमने 1 से गुणा और 1 से भाग कर दिया है। अब देखिए, यहां पर आपको एक मैं नियम सिखा देता हूं कि दशमलव से बचने का क्या तरीका है। दशमलव से बचने का यह तरीका है कि अगर आप दशमलव को हटाते हो ना, अगर आप दशमलव को हटाओगे, पॉइंट को हटाओगे, तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं, जैसे पॉइंट के बाद यहां पर पहला नंबर और दूसरा नंबर, यानी 2 नंबर लिखे हुए हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर, 2 नंबर लिखे हैं, तो पॉइंट हटाने से होता यह है कि दशमलव के बाद 1 और 2 संख्याएं हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। जितनी संख्याएं हों दशमलव के बाद उतने जीरो बढ़ेंगे नीचे। अब नीचे भी दशमलव हटाना है तो यहां से दशमलव हटाओगे तो दशमलव हटाने से क्या होता है, जितनी भी संख्याएं लिखी होती है दशमलव के बाद एक ही संख्या लिखी है तो 1 जीरो बढ़ेगा कहां? ऊपर। तो ये होता है दशमलव को हटाने का नियम। चलिए आप काटापिटी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दशमलव तो यहां से गायब ही हो चुका है, दोनों दशमलव आपने बैलेंस करके हटा दिए हैं। ठीक है, आप देखिए 1.0 से 1.0 कट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे 5 के पहाड़े में 125 लाना है। क्या लिखा है यहां पर? 125 बचा ऊपर और बटे में बचा यहां केवल 5। गुणा में देखेंगे तो 1/10 बचा है, 1/10 बचा है। इसी को तो हल करना है, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे का काम है इसको हल करना। चलिए करते हैं। 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 5 एकम 5, ऊपर काटेंगे तो 5 दुनी 10, यहां 12 लिखा है लेकिन आपने 5 दुनी 10 पढ़ा तो 2 बज गए। अब ये 2 पे 5 25 हो गया, 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 पंचम 25 यानी 5 बार में। ठीक है, तो यहां पर ये संख्या काटने पे आई है और यहां 1/10 लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, 25 गुणा 1 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 ही आ जाएगा। 1 का गुणा 10 में होगा तो 1 का 10 में गुणा होने से 10 ही आ जाएगा। अब जैसे आप दशमलव हटाते थे वैसे आप दशमलव लगा भी तो सकते हो। दशमलव हटाने से जितनी नंबर्स हो उतने जीरो बढ़ जाते थे। अब अगर आपको जीरो हटाने हो तो जितने जीरो हटाओ उतनी संख्या छोड़ के दशमलव भी लगा सकते हो। इसी नियम का उल्टा पालन कर दो। यहां से आपको जीरो को हटाना है तो जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे? एक संख्या, यानी 1 जीरो हटा रहे हो ना, तो पीछे से 1 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी यहां पर 2.5 आ जाएगा। आपने क्या करा? नीचे से 1 जीरो हटाना था तो ऊपर से पीछे से 1 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दिया, यानी 2.5 यहां पर आंसर आ गया। पहली बार में हमें टाइम लगा है। अब दूसरा सवाल आप देखिए, हम फर्राटेदार तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।
मेथड अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, टाइम जरूर लगा मुझे बताने में, क्योंकि आपको पहली बार समझाने में तो जरूर समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और फर्राटे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल है उसमें आपको डिवाइड करना है 0.63, इसमें भाग लगाना है किस संख्या से, 1.4 से। तो यहां पर भी हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस डिवाइड के चिन्ह को बटे की शक्ल में लिख देंगे। देखिए 0.63, इस डिवाइड के चिन्ह को बटे की शक्ल में लिख देंगे। किससे भाग लगाना है, तो वो संख्या है 1.4, तो उसे हम यहां लिख देंगे 1.4। अब हमें क्या करना है, किसी भी संख्या का हम गुणा कर सकते हैं एक से और भाग भी दे सकते हैं एक से, क्योंकि एक ही वो नंबर है जिसका गुणा भाग करने पर संख्या में परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमने लगा दिए। अब देखिए यहां ऊपर से अगर आप दशमलव हटाओगे तो नंबर गिनो, दशमलव के बाद नंबर कितने हैं, एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर है, तो दशमलव हटाएंगे तो ये दो नंबर है, तो दो जीरो नीचे बढ़ा देंगे। यहां से दशमलव हटाओगे तो कितने नंबर है दशमलव के बाद, गिन लो, एक नंबर है, तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया। अब आपको जीरो से जीरो काट देना है अगर कट रहे हो तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब यहां बचा क्या, ऊपर बचा 63 यानी कि 63 बचा, नीचे बचा 14 बचा यानी 14 बचा, यहां पर गुणा में 1/10 है यहां पर। अब आपको ये पता है कि 14 के पहाड़े में 63 आए ना आए, लेकिन 7 के पहाड़े से ये दोनों कट सकते हैं, सरलतम रूप में जा सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में जा सकते हैं अगर 7 के टेबल से काटो तो 7 के पहाड़े से हम यहाँ काटेंगे, 7 × 14 और 7 × 63 ये हो गया। 7 के पहाड़े से आपने काटा तो 2 × 14 कट गया और 63 कट गया 9 बार में, यानी आपका 9/2 गुणा में 1/10 आ गया है। सॉल्व करा तो क्या आया, 9/2 गुणा में 1/10, 1/10। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि 9/2 को आप हल करोगे तो 2 × 1 = 2, ऊपर काटोगे तो ये 2 × 4 = 8, यहां पर 9 था तो 1 बच गया, हम यहां दशमलव लगाएंगे तो ये 1 जीरो बढ़ेगा, 2 × 5 = 10, यानी 9/2 को आप काटोगे तो 4.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.5। अब आपको यहां से 1 जीरो को हटाना है तो दशमलव को एक संख्या आगे खिसका दीजिए, एक संख्या आगे खिसका दीजिए आप, ठीक है, तो यहां से 1 जीरो हटाना है तो ये जो दशमलव है एक नंबर पीछे आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका आंसर हो जाएगा 0.45, ठीक है, क्योंकि आप जब इस दशमलव को यहां से हटाओगे एक नंबर तो यहां आ जाएगा 0.45, क्या आ जाएगा 0.45, आगे कोई नंबर नहीं लगा तो हमने जीरो लगा दिया। तो इस कॉन्सेप्ट से ये सवाल हल होगा दोस्तों। देखिए सेकंड सवाल कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हुआ है, ऐसे ही आप बाकी सवाल भी खुद से करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके जरूर काम आई होगी। अगर आपकी इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प हुई है, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।